हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। आज का पेपर का थर्ड शिफ्ट का देखिए क्वेश्चन, पहले देख लीजिए। मैथ्स से आपका गुड अटेम्प्ट गया है 12 से 17, जो कि 25 नंबर का था। 25 में गुड अटेम्प्ट गया है 12 से 17, ठीक है। और जो रीजनिंग का पार्ट था वो उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, जिसका गुड अटेम्प्ट गया है 22 से 26, ठीक है। इसका पेपर था 30 नंबर का, रीजनिंग से 30 नंबर का क्वेश्चन था और गुड अटेम्प्ट गया है 22 से 26, ठीक है। जनरल साइंस जो है इसमें गया है 14 से 16 तक गया है, ठीक है, जो इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स जो है इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन था, जो इजी लेवल का था। इसका गुड अटेम्प्ट है 11 से 14, ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पूछा गया है आज थर्ड शिफ्ट में, और इसका गुड अटेम्प्ट गया है 63 to 70, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट गया है आपका 70 तक। अब देखिए मैथ्स का टॉपिक हम बताएंगे आपको। एसआईसीआई जो है उसमें से 3 क्वेश्चन पूछा गया है जिसका लेवल मॉडरेट है। फाइव सिस्टम से 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का है। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया जो ईजी है। एजेस से 2 क्वेश्चन जो ईजी है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट है। और जियोमेट्री जो है उसमें से सर्कल से आया था 1 क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन है जो इजी है। एवरेज है 3 क्वेश्चन का जो इजी है। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 से 4 क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट लेवल का है। परसेंटेज जो है 3 क्वेश्चन है इजी टू मॉडरेट लेवल का है। डीआई जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो मॉडरेट लेवल का है। और एलजेब्रा जो है वो उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन था जो जिसका लेवल था मॉडरेट, ठीक है। इसका अभी मैथ्स का पेपर मॉडरेट था, थर्ड से लेवल का पूछा गया है। रीजनिंग जो है इसका टॉपिक देख लीजिए, सिलॉग से पहले सिलोलिज्म। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन था 4 से 5 जिसका लेवल है इजी। वेन डायग्राम 3 क्वेश्चन पूछा गया है इजी लेवल का। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है न्यूमेरिकल था 2 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल का है। मिरर इमेज जो 1 क्वेश्चन जो इजी लेवल का है। और वन आउट 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है इजी टू मॉडरेट है। कोडिंग डिकोडिंग है 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो इजी है। एनालॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का। सीरीज से 2 क्वेश्चन इजी है। डायरेक्शन में 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आया हुआ था जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर से 4 से 5 क्वेश्चन। सारा पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ही आ रहा है काउंटिंग फिगर से जो कि मॉडरेट लेवल का है। टोटल आपका इसमें 22 से 26 गुड अटेम्प्ट गया, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से 22 से 26 अटेम्प्ट हुआ है। तो रीजनिंग का पेपर था इजी। अब देखिए जनरल साइंस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका टोटल ओवरऑल पेपर था इजी टू मॉडरेट जिसका 14 to 16 अटेम्प्ट गया है। फिजिक्स का पेपर इजी था, 8 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। केमिस्ट्री में इजी टू मॉडरेट है जो 7 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। और बायोलॉजी जो है मॉडरेट लेवल का था, इसमें 11 क्वेश्चन 7 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब देखिए क्वेश्चन हम कुछ बताएंगे आपको। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। डे डेट से क्वेश्चन आ ही रहा है तो इसमें आया है हेल्थ डे, ठीक है। आपका इंटरनेशनल हेल्थ डे पूछा गया है, कब है? 7 अप्रैल। व्हिच बर्ड हैज बिगेस्ट एग? बिगेस्ट एग कौन सा बर्ड का है? ऑस्ट्रिच का है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। हु इन्वेंटेड द विटामिन? इन्वेंशन से भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई सीट में आ रहा है कोई सीट में नहीं आ रहा है। तो इसमें आया है विटामिन का इन्वेंशन कौन किए है? कश्मीर फंग। नेशनल गेम्स 2018 विल टेक प्लेस एट? मुझे नेशनल गेम्स 2018 जो है वो कहाँ पे होने वाला है? गोवा में। हु हैज वन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन द रियो ओलंपिक? रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल कौन जीते? पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, हु हैज गॉट द अवार्ड ऑफ द बेस्ट एक्टर? ऑस्कर 2018 में बेस्ट एक्टर अवार्ड कौन किसको मिला है? गैरी ओल्डमैन, ठीक है। गैरी ओल्डमैन को मिला है ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर। Who has received the Gyanpith Award? Gyanpith Award 2017 किसको मिला है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जो है वो हिंदी राइटर है, ठीक है। हिंदी राइटर कृष्णा सोबती को मिला है Gyanpith Award। Who has won the Grammy Award? Grammy Award किसको मिला है? ब्रूनो। नेक्स्ट देखिए, Who is the Chief Minister of Sikkim? ठीक है, CM गवर्नर पूछा ही जा रहा है। तो थर्ड शीट में पूछा गया था CM of Sikkim पवन कुमार चामलिंग।
इज द सीईओ ऑफ कैनन, कैनन का सीईओ क्या कौन है? फुजियो मिथराई, सीईओ पूछा ही जा रहा है। बोले पिछले शिफ्ट में सैमसंग का पूछा गया था, नोकिया, एडोब, अभी कैनन का पूछा गया, फुजियो मिथराई। हु इज द राइटर ऑफ द कोलिशन ईयर, द कोलिशन ईयर कौन लिखे है? प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी राइटर है किस चीज का, द कोलिशन ईयर। और कैलेंडर, कैलेंडर से दो क्वेश्चन आया हुआ था जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से दो क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से चार से पांच क्वेश्चन। सारा पेपर में चार से पांच क्वेश्चन ही आ रहा है काउंटिंग फिगर से, जो कि मॉडरेट लेवल का है। टोटल टोटल आपका इसमें 22 से 26 गुड अटेम्प्ट गया, ठीक है, 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। फॉर्मूला फॉर मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो इससे पहले वाला पेपर में शिफ्ट 2 में पूछा गया था प्रोपेन का फॉर्मूला, तो मीथेन प्रोपेन ये सब का फॉर्मूला देख लीजिए, CH4 है मीथेन का फॉर्मूला। केमिकल नेम फॉर NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। हु इन्वेंटेड विटामिन, विटामिन इन्वेंशन कौन किए? कॉस्मिक फंक, अभी बताए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट पूछा गया है। व्हाट व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? अनलिमिटेड है। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स कौन सा, किस टाइप का वेव्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेयर डज इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग? रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर होस्ट किए फ्लैग। हु ओन द ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड, ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड कौन जीते हैं? सलमान खान। हु ओन द प्राइज फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन रिसेंटली? शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, प्राइज जीते हैं किसमें? सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को प्राइज मिला है। हु इज द सीईओ ऑफ कैनन? फुजियो मिथराई। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर